हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 5 भूषण वीर रस के कवि रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण पाठ स्टार्ट कर दिया था। उसमें एक पद आपको मैंने करा दिया था पूर्व क्लास में। उस पूर्व पद में क्या बताया गया था, किस बारे में वर्णन था? देखिए, उसमें कवि भूषण ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का वर्णन किया था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी की विजय यात्रा और उसकी विशाल सेना का वर्णन किया था। अब ये दूसरा पद है, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग ताही खरो कियो छे हजारिन के नियरे जानी गैर मिसिल घुसीले गुसाधारी मन कीनो ना सलाम ना बचन बोले सियरे भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे तमकले लाल मुख सिवा को निरखी बहे श्याम मुख नोरंग सिपाह मुख प्यारे। देखिए, सबसे पहले आप इसमें हार्ड वर्ड नोट कीजिए बेटा, ठाड़ो। ठाड़ो मीन्स खड़ा, ठाड़ो खड़ा। ओके, जोग मीन्स योग्य, जोग योग्य। छह जारिन, छह जारिन मीन्स हजारी या बादशाह द्वारा दिया गया छोटा पद। छह जारिन बादशाह द्वारा दिया गया छोटा पद, ओके, उसे क्या कहा जाता है, छह जारिन। नियरे, नियरे मीन्स निकट, नियरे निकट। ओके, गैर मिसिल अनुचित, गैर मिसिल अनुचित गलत। ठीक है, गुसीले क्रोधी, गुसीले क्रोधी। ओके, गुस्सा क्रोध, गुस्सा क्रोध। ठीक है, सियरे, सियरे का लिखिए बेटा शीतल या विनम्र। ठीक है, बलकन, बलकन जोश, बलकन मीन्स जोश। ओके, जियरे हृदय, जियरे हृदय या जीवात्मा। तमक, तमक मीन्स क्रोध। ठीक है, स्याह, स्याह मीन्स काला। ओके, स्याह काला। ठीक है, स्याह मुख काला मुख। पियरे पीले, पियरे पीले। भनत कहते हैं, भनत मीन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट निरखी देखकर, निरखी देखकर। ओके, पातशाही, पातशाही लोग या दरबारी। ठीक है, नोरंग औरंगजेब, नोरंग औरंगजेब। ठीक है, ये सारे हार्डवर्ड मैंने आपको बता दिए, एक बार और देखिए सारे हार्डवर्ड दोबारा से देखो बेटा। ठाड़ो खड़ा, जोग योग्य, छह जारिन बादशाह द्वारा दिया गया कोई छोटा पद, नियरे निकट, ओके, गैर मिसिल अनुचित। ठीक है, गुसीले क्रोधी, गुस्सा क्रोध। सियरे शीतल या विनम्र। बलकन, बलकन मीन्स जोश। जियरे
हृदय या जीवात्मा, तमक तमक क्रोध, ठीक है, स्याह काला, पियरे पीला, ओके, भनत कहते हैं, भनत कहते हैं, निरखी देखकर, पातशाही दरबारी लोग, नोरंग औरंगजेब, ठीक है, ये हार्ड वर्ड हो गए। अब आप इसकी व्याख्या देखिए बेटा। सबसे पहले प्रसंग, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, ताही खरो कियो छः हजारिन के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले गुसा, धारी मन कीनो न सलाम, ना वचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बहे, श्याम मुख नोरंग सिपाह मुख पियरे। देखिए इसमें प्रसंग महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी शौर्य से संबंधित है, ठीक है, इसमें वीर रस के कवियों से उद्गृत है। जो भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य तथा शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया गया है। इस पद में रीति काल के वीर रस के कवि शिवाजी ने वो सॉरी भूषण ने शिवाजी के शौर्य, ठीक है, शिवाजी के शौर्य तथा शत्रु पक्षों के भयभीत होने का वर्णन किया गया है। देखिए कवि भूषण क्या कहते हैं, सबन के ऊपर, कवि भूषण कह रहे हैं सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग। कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे, ठीक है, सभी राजाओं के ऊपर रहने वाले कौन, शिवाजी सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े रहने योग्य हैं। देखिए सबन के ऊपर ही ठाड़ो, कवि भूषण कहते हैं शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कि शिवाजी सभी राजाओं के ऊपर रहने वाले, अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले, ताही खरो और सभी से आगे खड़े रहने योग्य हैं, लेकिन ताही खरो क्यों छः हजारिन के नियरे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6000 रुतबे वाले अर्थात छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया, ताही खरो कियो 6000 इनके नियरे, जब औरंगजेब ने वीर शिवाजी को जो हमेशा सबसे आगे रहने वाले, ठीक है, सब पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े होने वाले शिवाजी को जब औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में उन्हें अपनी छः हजारिन मतलब अपनी छोटी राजाओं के साथ, 6000 छोटे बादशाह द्वारा दिया गया एक छोटा पद, जो अपने छोटे राजाओं के साथ उसे खड़ा किया, जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्साधारी मन, तो इसे शिवाजी ने अपना अपमान माना, तब उसके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। जानी गैर मिसिल शिवाजी ने इसे अनुचित माना, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा और शिवाजी को बहुत अधिक ये सब देखकर बहुत अधिक गुस्सा आया, ठीक है। शिवाजी ने क्या समझा,
ये मेरे साथ गलत हुआ, मेरा अपमान हुआ, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया, अर्थात स्वयं को औरंगजेब का अधीनस्थ मानकर उन्हें गुस्सा आया, जो स्वाभाविक ही था कि नहीं ना सलाम ना वचन बोले सियरी। ठीक है, इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को, ठीक है, इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को न तो सलाम किया और न ही कोई प्रिय वचन ही कहा कि नहीं ना सलाम। इस कारण वीर शिवाजी ने औरंगजेब को कि नहीं ना सलाम, ना तो कोई सलाम किया, ना वचन बोले सियरे, और ना ही कोई, ठीक है, ना ही कोई मृदु वचन बोले, अर्थात बहुत अधिक गुस्सा आया। किसे? शिवाजी को। ना तो शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को सलाम किया और ना ही कोई सियरे मीन्स ना ही कोई प्रिय वचन या विनम्र वचन बोले, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था कि मेरा अपमान हुआ है। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो अर्थात शिवाजी ने कोई भी जब औरंगजेब को ना सलाम किया, ना ही कोई प्रिय वचन कहा, कहने का मतलब यह कि गुस्से में आकर न तो बादशाह औरंगजेब को सलाम किया और न ही जयकार के रूप में कोई मधुर या विनम्र वचन ही कहे। कवि भूषण कहते हैं कि तब अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे। भूषण कह रहे हैं भनत महावीर बलकन लगो, और जोश में आकर शिवाजी कहने लगे सारी पातशाही के उड़ाया गए जियरे। पातशाही उसी क्षण उनकी ओजस्वीता को देखकर, कवि भूषण कह रहे हैं सारी पातशाही, सारे दरबारी शिवाजी की ओजस्वीता को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा कांपने लग गए। उड़ाए गए जियरे अर्थात सभी के हृदय कांपने लगे जब उन्होंने शिवाजी को इतनी ओजस्वीता पूर्वक देखा, इतना क्रोध करते हुए देखा, तो औरंगजेब के दरबार के सभी दरबारी के हृदय कांपने लगे, उनके हृदय अस्थिर हो गए। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बहे, तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बहे, तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बहे। गुस्से के कारण लाल मुंह वाले शिवाजी को देखकर अपने भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बहे, अपने दरबार में वीर शिवाजी को के लाल मुख अर्थात क्रोध भरे चेहरे को देखकर श्यामुख नोरंग सिपाह मुख पियरे, औरंगजेब का मुख भी काला पड़ गया। वहाँ पर मौजूद दरबारियों के चेहरे पीले हो गए। सिपाह मुख पियरे, वहाँ पर मौजूद सभी किनके, सभी दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। ठीक है बेटा, मुख पियरे शिवाजी को इस तरह क्रोधित देखकर, इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर दरबार के में ओ सारे दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, औरंगजेब का चेहरा भी क्या हो गया, काला पड़ गया। कहने का भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हो आया, अतः भय के कारण उनके चेहरे पीले हो गए। समझ आया बेटा कि किस बारे में बताया यहाँ? जब वीर शिवाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने पर, ठीक है, औरंगजेब को, औरंगजेब ने
मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया तो शिवाजी को अपना अपमान लगा। ठीक है, तो शिवाजी का चेहरा बहुत अधिक गुस्से में हो गया और उन्होंने गुस्से में आने के कारण औरंगजेब को ना तो कोई सलाम किया और ना ही कोई प्रिय वचन कहे। ठीक है, तभी भूषण कहते हैं कि तब अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे। उस क्षण उसकी ओजस्वीता को देखकर पराक्रमी शिवाजी जोश में देखकर सारे दरबारी और औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया और दरबारियों के चेहरे कैसे हो गए, पीले हो गए। कहने का भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हो आया। ठीक है बेटा, ये वाला पद क्लियर हो गया आपका। इसमें किसका वर्णन किया गया है? शिवाजी के शौर्य और शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या बताया है? शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने पर वहाँ घटित घटना का वर्णन किया गया है। शिवाजी के साहसी, पराक्रमी, निडर और स्वाभिमानी रूप को चित्रित किया गया है। शिवाजी के पराक्रमी, निडर और स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ओके बेटा, ये दो पद कंप्लीट हो गए। पद संख्या थर्ड, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछुकर तार को नैता मधि अमल है। साही तने सरजासा मथे शिवराज कवि, भूषण कहत जी वो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें हार्ड वर्ड नोट करो। सबसे पहले भुजानी, भुजाओं, भूतल धरती, ओके। दिगनाग दिशा रूपी हाथी, दिगनाग दिशा रूपी हाथी। करतार मीन्स विधाता, करतार विधाता। तामधि उसमें साही तने शाहजी के पुत्र। ठीक है, इसके बाद है सरजा मीन्स शिवाजी की उपाधि। सरजा शिवाजी की उपाधि। जीवो जीना। करबाल तलवार, ओके। मलेच्छन मुगलों। ठीक है, अमल प्रयत्न। ओके, नेक्स्ट है समर्थ। ठीक है, अमल प्रयत्न। फिर है काज मीन्स कारण। ओके, और नेक्स्ट है धरा या संसार। ठीक, काज मीन्स धारण, धरातल मीन्स धरा या संसार। ठीक है बेटा, ये हार्ड वर्ड हो गए। अब आप इसकी व्याख्या प्रसंग देखिए, किस बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, प्रसंग
प्रस्तुत अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी के शौर्य पर आधारित वीर रस के कवियों से उद्गृत है। इसमें शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला, देखिए इस पद में भूषण ने क्या बताया है, शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला तथा मुगलों के लिए उसे काल बताया है। ठीक है, शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला तथा मुगलों के लिए उनका काल बताया है। किसे? शिवाजी को। किसने? भूषण ने। ठीक है, भूषण रीति काल के वीर रस के कवि हैं। इसमें उन्होंने शिवाजी की को धरती का भरण पोषण करने वाले और मुगलों का काल कहा है। ठीक है, देखिए, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार। कवि भूषण कहते हैं कि हे सरजा, हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है, तेरे ही भुजानी पर भूतल का भार। हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर इस भूतल का, इस पृथ्वी का सारा भार टिका हुआ है, कहिबे को शेष नाग। शिव भूषण क्या कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर इस संसार के लोगों का, तेरी ही भुजाओं पर इस समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है, कहिबे को शेष नाग, दिगनाग हिमाचल है। कवि भूषण क्या कह रहे हैं, कहने को तो शेष नाग दिगनाग एवं हिमाचल को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहना तो कोरा कथन है। कहिबे को शेष नाग, दिगनाग हिमाचल, कहने को तो सिर्फ कथन ही मात्र है कि शेष नाग एवं हिमालय को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहना तो कोरा कथन है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, तुम्हारा जन्म ही संसार के, तेरो अवतार, तेरा जन्म ही जग पोषण भरनहार, संसार का भरण पोषण करने के निमित्त ही हुआ है। भूषण क्या कह रहे हैं, तेरा जो जन्म है वो संसार का भरण पोषण करने के लिए ही हुआ है, इस कार्य में विधाता का कोई श्रेय या काम नहीं है, कछुकर तार को ना ता मधी अमल है। इस कत कार्य में क्या कह रहे हैं भूषण, कछुकर तार को न तो मधी अमल है, इस कार्य में विधाता का कोई श्रेय या काम नहीं है। साही तने सरजा मथे शिवराज कवि, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, साही तने सरजा, शाहजी के पुत्र शिवाजी क्या कह रहे हैं, आप सब तरह से समर्थ एवं शक्ति संपन्न है। शाहजी के पुत्र शिवाजी, शाही जने शाहजी के, सरजा में शिवाजी, समर्थ समर्थन शिवराज कवि, शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप सब तरह से समर्थ एवं शक्तिशाली हैं और इस धरती पर आपका ही जीवन सफल है। भूषण कहत जीवो तेरे ही सफल, भूषण कहते हैं कि इस धरती पर सिर्फ आपका जीवन ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, कवि शिवाजी क्या कह रहे हैं कि तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। कवि भूषण क्या कह रहे हैं, आपकी इस धरती पर
आपका ही जीवन सफल है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल, इस धरती पर आपका जीवन ही सफल है। हे शिवाजी, आपकी यह तलवार मुगलों के प्राणों को हरण करने वाली है। तेरो करबाल तलवार, हे शिवाजी तेरो तलवार, तेरी तलवार करे मलेच्छन को काल। मुगलों का तेरी ये तलवार मुगलों के प्राणों को हरण करने वाली है, अर्थात यमराज जैसे है इस तरह तेरी ये तलवार मुगलों का हरण करने वाली है, अर्थात काल के समान यमराज के समान इस धरती पर दुष्टों के प्राण लेने में काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, इस धरती पर काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है। ये काम तो आपकी तलवार सहजता से कर देती है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कवि शिवाजी कह रहे हैं कि बेवजह ही दुष्टों का नाश करने के लिए काल को बदनाम किया जाता है, लेकिन तेरी तलवार ही यह काम तो आपकी तलवार ही सहजता से कर देती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये तीन पद कंप्लीट हो गए, दो पद बचे हैं, वो मैं आपको कल करा दूंगी। ओके, एक बार दोबारा देखो। इस पद में तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, इसमें शिवाजी को कवि भूषण ने इस पद में शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला तथा मुगलों का काल बताया गया है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर सारी पृथ्वी का भार टिका है, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार। हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर इस पृथ्वी का सारा भार टिका है। शेषनागौर पर्वत तो पृथ्वी का भार उठाने वाले मात्र कोरे कथन ही रह गए हैं। तेरो अवतार जग पोषण भरनार, तेरा तो अवतार ही संसार के लोगों का पालन पोषण करने के निमित्त हुआ है, करने के कारण हुआ है। इस कार्य में विधाता का कोई कछुकर तार को तामदी अमल है। इस कार्य के लिए, ठीक है, इस कार्य के लिए विधाता को, ठीक है, कोई श्रेय या काम नहीं है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल, भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी तेरा जीवन ही सफल है। ठीक है, तेरो करबाल साही तने सर ताज समथ शिवराज कवि। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप सब तरह से समर्थ एवं शक्तिशाली हैं, इस धरती पर आपका ही जीवन सफल है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल, तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। हे शिवाजी, आपकी यह तलवार मुगलों के प्राणों को हरण करने वाली है, अर्थात यमराज जैसी ही है ये तेरी तलवार। इस धरती पर बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, इस धरती पर दुष्टों का प्राण लेने में काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है। इस धरती पर दुष्टों को, ठीक है, कवि भूषण क्या कह रहे हैं, इस धरती पर दुष्टों का प्राण लेने के लिए काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है। यह काम तो आपकी तलवार सहजता से कर देती है। कौन कह रहे हैं, कवि भूषण किसके लिए कह रहे हैं, शिवाजी के लिए। कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें कवि भूषण ने शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला और मुगलों का काल बताया है। ठीक है बेटा, ये दो पद कंप्लीट हो गए। अब इसके विशेष में लिखिए, शिवाजी के शौर्य का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। ठीक है, इसमें वीर रस का प्रयोग है,
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी? विशेष में। ठीक है बेटा, तीन पद आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट दो पद रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। जो भी आज आपको समझाया है बेटा, इसे अच्छे से सुनना, हार्ड वर्ड अपनी कॉपी में लिखना, कवि परिचय लिखना, और फिर मैं ये सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके भावार्थ और क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स आप लोग ज़रूर क्लियर किया करो। ओके, थैंक यू।